जाति और धर्म से ऊपर उठकर सरदार साहब ने निर्माण किया एक और अखंड भारत का। चलिए हम सब साथ मिलकर श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें। सरदार साहब को सही मायने में श्रद्धांजलि दें। स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार साहब से आप जितना चाहें उतनी प्रेरणाएं ले सकते हैं। वो इतने बड़े होद्दे पर थे, फिर भी हमेशा कम से कम खर्चा करके अपना निर्वाह करते रहे। उन्होंने न कभी ऐश आराम किया, न कपड़ों के लिए, न जूतों के लिए, न मकान के लिए, न और किसी चीज के लिए। वो हमेशा सादाई से जीवन जीते रहे। सरदार साहब से हम बहुत सी बातों की प्रेरणाएं ले सकते हैं। ये प्रतिमा सबको प्रेरणा देती रहेगी और भारत के लोगों को अपना सरदार साहब जैसा जीवन बनाने का संदेश भी देती रहेगी। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार साहब की जन्म जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राष्ट्र को समर्पित। सबसे ऊंचा, सबसे शानदार स्टैचू ऑफ यूनिटी, अखंड भारत के प्रणेता को राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि।